चलिए बात करेंगे लोरमी की, जहां पर शासन की ओर से मिलने वाले राशन योजना पर कुछ रसूखदार नेता पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला लोरमी के पेपर खुटा से सामने आया है, जहां पर अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह और रसूखदार कांग्रेस नेता शोभा कश्यप पर ग्रामीणों ने धोखाधड़ी और राशन लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही विक्रेता विनोद कश्यप, कांग्रेसी नेता शोभा कश्यप द्वारा धोखाधड़ी करते हुए 6,000 लेकर गांव के ही रुबीनापति देवी प्रसाद को नया राशन कार्ड बनवाया है। मृतक कार्ड धारकों के परिवार का बताया जा रहा है और राशन कार्ड भी नाम जुड़वा दिया गया है, जिसमें कथित हितग्राहियों को 20 किलो ही राशन दिए जा रहे हैं और 15 किलो राशन को कांग्रेस नेता खा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि पिछले महीने और इस महीने का चावल वितरण ही नहीं किया गया है। इसकी लिखित शिकायत मृतक के परिजनों ने लोरमी अनुविभागीय अधिकारी समेत जिला कलेक्टर से न्याय दिलाने की मांग की है। मृतक व्यक्ति के द्वारा शोभा कश्यप चावल उपजा रहा था, आधा चावल को देवी टंडन को दे रहा था, 20 किलो को 15 किलो को गमन कर रहा था। अन्यथा वो कार्ड कुंजी भाई और क्या बोलते हैं जीवन 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 दोनों के नाम से है, जोशी के नाम से, जीवन जोशी और कुंजी जोशी के नाम से है कार्ड। तो ये आपका कार्ड बन गया कि देवी से 6,000 पैसा लेकर नाम दोनों को जोड़ा है, देवी और रवीना टंडन को, शोभा राम कश्यप कांग्रेस का जो नेता है। प्राप्त हुई है, दो मृतक के नाम आपने बताए हैं कि कुंजबाई पति जीवराखन है और रुबीना पति देवीराम है। तो ये शिकायत आपसे आज मिली है, तो कल खाद्य निरीक्षक को आज जांच के लिए भेजा जा रहा है। सर, इसमें 2 महीने के चावल नहीं मिले, आपसी बात के चलते इसमें पब्लिक बहुत परेशान है। अभी जब समस्या आई तो वहाँ पे पूर्व दुकान जो संचालक थे उन्होंने त्याग पत्र दिया हुआ था, तो नवीन जो उसको संलग्न किया गया है और अभी नवीन दुकानदार ने बताया कि 62 क्विंटल उसके द्वारा वितरित किया जा चुका है। किसी प्रकार की अभी शिकायत नहीं है और न शिकायत आएगी। किसान जो गाँव वाले हैं या राशन कार्डधारी उनको नियमित समय पर निर्धारित समय पर पूर्व मिल जाएगा राशन।